हेलो मेरे प्यारे दुलारों और वेलकम टू फ्राइलू। क्या वो नहीं समझे फ्राइलू क्या होता है? भैया फ्राइलू का मतलब होता है फ्राइडे और लू का मतलब होता है लूडो किंग। तो आज है फ्राइलू यानी कि फ्राइडे का लूडो किंग। देखा कितना इंटेलिजेंट हूं मैं ना। लेकिन गाइज आज सिर्फ फ्राइलू नहीं है, आज एक्चुअली सेलिब्रिटी एपिसोड भी है। मेरे कुछ बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनको आप सबने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा है, अपने घर बैठे यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, अमेज़न प्राइम पर देखा है। सो वो आज आके आपके सामने लूडो की गेम खेलने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू, ये सब जो धुरिंदर हैं ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा यू नो कंपेटिटिव स्पिरिट में लड़ने वाले हैं। सो आपको जरूर आना है आज शाम को 7 बजे क्योंकि आज का एपिसोड चुम्मेश्वरी होने वाला है। सो मिलते हैं इनसे जल्दी जल्दी। हाँ जी शर्मा जी, क्या हाल है आपके? What's up, Mr. Bhatla? Oh, Rani ji, kya haal hai aapke? I'm fine. Aap kaise hain ji? Oh, Jain saab, Ludo King khelne wali hain aap. Kya haal hai aapke? Bilkul badhiya. Jaise aapke haal hai, waise hi mere haal hai. Haan, wahi meri Durga Mata. Kya haal hai tumhare Ishita Ganguly? Main bahut achhi hoon, Dan. I hope you are doing well too. Tell me something. How excited are you for the game? Kya matlab kya expectation hai game se aur kya tumhari strategy hone wali hai? Yes. कहता जाए तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस में है क्योंकि इट्स लाइक अ चैंपियनशिप फॉर मी, एवरीबडी विल बी वॉचिंग मी, तो वो थोड़ा सा प्रेशर है कि यार मुझे जीतना है और अच्छी सी प्राइज मनी लेके किसी को गिफ्ट देना है। Well, ये तो अच्छी बात है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन you know, मैं तो तुम्हारे बारे में of course बहुत अच्छे से जानता हूँ। You are my best body. लेकिन मुझे बताओ, ये लोग जानना चाहते हैं यार तुमने क्या काम किया है, अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। मैं एक अभिनेता हूँ, I am an actor, and आपने recently मुझे मुल्की में देखा है on Colors। 2014 में मैं मुंबई आई थी and तब मेरा पहला शो था शास्त्री सिस्टर्स and उसके बाद टच विद बाय गॉड ग्रेस कुछ ना कुछ मैं करती रही, जैसे पेशवा बाजीराव तो मेरा हीरो, इश्क रंग सफेद, श्रीमद भागवत, वैष्णो देवी, राधा कृष्ण में द्रौपदी, 450+ फिल्म्स एज अ लीड फिल्म्स, मैंने पंजाबी फिल्म भी की है, मैंने कई सारे वीडियो एल्बम्स किए हैं। आई वाज 5 एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डांसर, आई होल्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। I'm a singer as well. I've performed all over India. I've done more than 700 shows. By God's grace, of course, मैंने बहुत सारे माइक्रो कैरेक्टर किए, इसलिए आपने शायद मुझे जय माता दी दुर्गा माता करके बोला। लास्ट ईयर खतरों के खिलाड़ी में भी गई थी, आई अटेंड बिग बॉस ऑल्सो, बहुत सारे टीवी शोज भी किए हैं एंड टीवी स्टार्स प्लस पे, तो मतलब एक्टिंग मेरा। एज एन एक्टर आई स्टार्टेड माई करियर विद बालिका वधु एंड हाउसवाइफ ऑन जी टीवी एंड आई डिड शक्ति ऑन कलर्स रिसेंटली, देन आई डिड श्रीमद भागवत ऑन कलर्स एंड देन आई एम ऑल्सो कमिंग अप विद अनदर शो विच इज कॉल्ड वारदात ऑन एन टीवी। बिसाइड्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ साउथ फिल्म्स एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेब सीरीज एज वेल। तो मेरी हॉबीज में हमेशा डांसिंग सबसे ऊपर आता है। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स। सिंगिंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, खाली बैठो तो ऐसे ही घुमघुरा लेती हूँ, फिर बहुत सारे नेटफ्लिक्स मुझे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जब भी खाली समय होता है, खाली टाइम होता है, मैं लूडो खेलती हूँ। और उससे पहले I'll relate a show with this game show particularly because मैंने एक show किया था नागिन और उसके set पे हम मतलब free time में सिर्फ और सिर्फ Ludo King खेलते थे। क्या बात है। अच्छा मुझे बात बताओ, याद है बचपन में हम लोग वैसे एक बोर्ड पे लूडो खेला करते थे और सांप सीढ़ी खेला करते थे, तो उसके बारे में बताओ यार, खेला है नहीं खेला है क्या, मतलब व्हाट इज द मेमोरी अबाउट? ऑफ कोर्स दैट वाज माय टाइम पास थ्रू आउट माय चाइल्डहुड, इनफैक्ट इवन नाउ। बहुत ही बचपन में खेला है और उससे तो मुझे समझ में भी नहीं आता मैंने बचपन से लूडो बहुत ज्यादा खेला, वो बोर्ड पे पहले आता था, बहुत मजा आता था, मेरा चाइल्डहुड पूरा उसी के अंदर बीता। I am a 90s kid, games के इतने ज्यादा options हमारे पास indoor games के होते नहीं थे, Ludo and ladders, you know, the only thing जहाँ हम जाके इतनी मस्ती करते थे, especially Ludo. जब भी आप Ludo खेलते हो ना, आपकी memory होती ही होती है हर एक game के साथ, हर एक round के साथ। जब मैं देखती थी ना कि मेरा भाई जीत रहा है, वो बहुत honest था, तब मैं कभी कभी ना cheating करती थी,
दिया ताकि वो सिक्स आए, वो यू नो एक वो सब चीज़ें मैं करती थी. कुछ कुछ टाइम पे ऐसे ऐसे नो हल्के से वो हटा देना कि मेरा होम हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया है. मैं बहुत शादी थी उस टाइम पे. और मैं आई एम अ बिग टाइम लूजर व्हेन इट कम्स टू लूडो. एंड बच्चों में से था जब मैं बचपन में भी इसे खेलता था, जो जब वो नहीं जीत पाते तो दे मेक श्योर कि और कोई लूडो ना खेलता है. और आई थिंक मेरा जो बेस्ट टाइम रहा है बचपन का कॉल वो लूडो खेलते हुए ही रहा है विद माय फैमिली. लेकिन ये लूडो ऑनलाइन खेलने का मुझे जो जिसे कहते हैं ये जो प्यार हुआ लूडो से 3 साल पहले हुआ है. और मैं बताऊं जब मैंने पहली बार खेला था तो 3 लोगों के साथ बैठ के खेला था. और वो लोग मुझे सिखा रहे थे कि कैसे कैसे खेलते हैं, ऐसे मतलब अभी ये होगा, अभी ये नंबर आने पे ऐसा होता है, वो होता है. सिखाते मैं ही जीत गई थी और वो बैट लगी हुई थी पैसों की और मैं ही जीत गई थी. तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो उसके बाद तो आई एम प्रो. बट बड़े होने के बाद जब लूडो किंग आया तो मैंने आईपैड पे खेला है, फ़ोन पे खेला है. स्पेशली जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, मैं जानबूझ के 1 घंटा पहले चले जाती हूँ ताकि ऑनलाइन लोगों के साथ खेलूँ, स्ट्रेंजर्स के साथ खेलूँ, फ्रेंड्स के साथ खेलूँ, तो बड़ा मज़ा आता है. That's actually the fun of Ludo, है ना? कि Ludo ने हमें 60 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं. People have made us the largest downloaded app, and जिससे आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो और किसी के साथ भी खेल सकते हो. So tell me something, अगर आप ये प्राइज मनी जीत जाती हैं जो कि 10,000 रुपए का वाउचर है, तो आप क्या खरीदोगे उससे? अगर मैं 10,000 रुपए जीत जाती हूँ, शॉपिंग करूँगी यार. I think मैं कुछ ना कुछ जो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था पेंटिंग की छोटा मोटा, मुझे कुछ डेफिनेटली यू नो स्पेंड माय टाइम बाइंग दैट. आई विल बाय समथिंग फॉर यू मे बी. ओह माय गॉड, ए लूडो के देवता प्लीज इसे जिता देना. देखो मैं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ठीक है? तो वो 10,000 बिल्कुल भी मेरे उस बजट में नहीं जाने वाले जो यहाँ वहाँ देने होते. वो सिर्फ मेरा होगा, 10,000 वाउचर सिर्फ मेरा होगा. और उससे पता नहीं क्या क्या करूँगी, बहुत सारी शॉपिंग करूँगी. अलग बात है, मजा तो खेलने का आता है. कितना चाहता है कितना नहीं चाहता है, यू नो मजा तो वो मजा मिल. हार जाती हूँ तो मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगी और कहूंगी कि मुझे 10,000 की शॉपिंग करवा दो. आई थिंक जीतना हारना मेरे लिए कभी मैटर नहीं करता. हारता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जो फन होता है ना कि इतने बच जाते हो जीतते जीतते या हारते हारते, तो वो आई थिंक अच्छी चीज है. तो थैंक यू ग्रेट नवीन, थैंक यू सो मच. वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द गेम एंड हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. यस, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच अंकित. थैंक यू सो मच, बाय बाय अंकित, सी यू. तो भैया ये थे मेरे 4 सेलिब्रिटी दुरिंदर जो आज आपके सामने लूडो किंग की गेम खेलेंगे. आपको पता है अभी अभी हमने 50 एपिसोड कंप्लीट किए हैं और ये उसी का गिफ्ट है जो हम आपको लूडो किंग शो के जरिए देना चाहते हैं, क्योंकि ये हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी. बट मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आप इनकी सारी मस्ती नोकझोंक और एंटरटेनमेंट और गेम और लूडो देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा शाम को 7 बजे शार्प द लूडो किंग शो पर, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं बेल आइकन क्लिक करने के बाद. और साथ ही में हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड ऑफकोर्स हमारे लूडो किंग का पेज लाइक कीजिए फेसबुक पे. मैं हूं अंकित बाटला, सी यू एट 7.